कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेव व्लॉग्स। और आज है हमारी छुट्टी का दिन तो हमने सोचा थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। हम निकले हैं वही खटीमा पूरनपुर वाली रोड में। जब लास्ट टाइम गए थे तब उससे कुछ ही दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो वाइल्ड लाइफ तो उतना दिखी नहीं हमें। थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ थी, जैकल्स और पॉर्क्यूपाइन और स्नेक वगैरह। स्नेक तो बेचारा वो दबा हुआ ही दिखा था रोड में। काफ़ी स्पीड में लोग गाड़ियाँ चलाते तो उससे थोड़ा सा हो जाता है वाइल्ड लाइफ का उनको नुकसान। तो अभी लास्ट टाइम हम जो लास्ट व्लॉग डाला था वो रामनगर की तरफ का डाला था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, वहीं जहाँ मोहान में भैया ने अभी रेस्टोरेंट स्टे का ओपन किया है, उस वहीं गए थे हम और जाएंगे अभी कल परसों में। थोड़ा काम है उससे भी मिल के आएंगे वहाँ मोहान। तो अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, बारिश तो अब बंद ही हो गई है, अब मॉनसून ख़त्म हो चुका, विंटर्स का टाइम आ गया है। नैनीताल में तो ठंड भी स्टार्ट हो गई है, जैकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ने लग गई है शाम को। और बारिश वहाँ भी बंद हो गई है, वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है बारिश की, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ की साइड तो मौसम अभी हल्का, हल्द्वानी खटीमा साइड में तो उमस है, अभी हल्की गर्मी है, फ़ैन वगैरह तो चल ही रहा है, लेकिन अब थोड़े टाइम में, अब क्योंकि अक्टूबर आ चुका है। और तो हमने सोचा कि जब से अब सफारी स्टार्ट होने वाली है 1 नवंबर से, तो अब तो सफारी में ही जाना होगा। तो उससे पहले हमने सोचा एक बार नाइट ड्राइव कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर अब सफारी में ही जाने का चांस मिलेगा। तब तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी रहता है वहाँ पर, रश रहता है बहुत उस रास्ते में। आज देखते हैं क्या रहता है, जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी वाइल्ड लाइफ हमें दिखेगी हम आप लोगों के साथ तो व्लॉग में शेयर करेंगे ही। और अब सफारी जैसा कि मैंने कहा स्टार्ट हो जाएगी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो 15 से होगी, बाकी बिजरानी और झिन्ना रेला और ये सब आप कर सकते हैं। और अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की आप बुकिंग एडवांस में कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन आप करा सकते हैं जो इनकी साइट है। और अगर नहीं उसमें समझ में आए और आपको अगर गाइड या किसी ड्राइवर का नंबर, ड्राइवर्स के भी नंबर हैं, गाइड्स के भी नंबर है मेरे पास में, अगर आप चाहें तो कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कॉमेंट बॉक्स में वो नंबर आप लोगों को दे दूँगी, शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ में। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में तो दिवाली भी है, तो दीपावली के तो फर्स्ट सफारी हम कर पाएंगे कि नहीं पीलीभीत की ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी बात करेंगे। जैसा भी रहता है वो देखते हैं अभी आने वाले समय में। अभी तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखते हैं क्या कुछ रहता है आज। तो फिर बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में एंड तक। और देखिए एक बस आगे जो नेपाल और इंडिया दोनों में चलती है। यहाँ खटीमा से आगे बनबसा जगह है, मनबसा से फिर नेपाल का रास्ता जाता है महेंद्रनगर बाई रूट, मतलब रोड के रास्ते आप जा सकते हैं। वहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, हम वहाँ गए हुए हैं शुक्ला फाटा, तो बस भी जाती है वहाँ। देखिए आनंद विहार दिल्ली से महेंद्रनगर। यहाँ पूरे खेत देख रहे होंगे, उससे थोड़ा आगे उठा हुआ सा जो ये पार्ट दिख रहा है इसके जस्ट पीछे नानक सागर डैम है, यहीं पे नानक मत्ता में एक गुरुद्वारा भी है। अब हम पहुँच गए हैं खटीमा। यह है सुरई का गेट जो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और बाप रे कितनी सारी गाय हैं यहाँ, ये भी पूरा टाइगर की टेरिटरी है, टाइगर का एरिया है। अंदर सफारी होती है, अभी बंद है, वो भी कुछ दिन में खुलेगी। तो यहाँ अंदर वन गुज्जर रहते हैं जिस वजह से ये टाइगर रिजर्व नहीं घोषित किया गया है अभी, ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। जहाँ ये सुरई का फॉरेस्ट एंड होगा वहीं से पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये उत्तराखंड में आ गया और वो यूपी में। रोड का बहुत बुरा हाल है।
घूम कैसे आइए नहर के ऊपर। तो अभी तो काफी हलचल है इस रोड में, लोग भी घूम रहे हैं, डॉग्स भी हैं, बकरियां भी घूम रही है। अब जैसे शाम होने लगा है सब अपने घर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अनसेफ हो जाता है इस रोड में चलना। ये बीच में है नहर और उस साइड है फॉरेस्ट, इस साइड भी फॉरेस्ट है, बीच में कुछ गांव है। और यहाँ तो मैंने पाइथन भी एक बार क्रॉस करते हुए देखा था, बाकी वाइल्ड लाइफ भी है इधर, स्लॉग बेयर है, टाइगर्स है, लेपर्ड्स हैं, मतलब बाघ वगैरह भी हैं, सांप वगैरह भी हैं ही इस रास्ते में, और क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ भी आ जाते हैं इधर रोड की साइड में। और अभी रिसेंटली सुरई के एरिया में पहली बार उत्तराखंड में कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट हुआ है, हनी बैजर दिखा है, वो किसी के कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुआ है, कुछ हुआ, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था उसकी, हनी बैजर। इससे पहले हनी बैजर कभी उत्तराखंड के एरिया में नहीं दिखा था, पीलीभीत में दिख जाता था। पीलीभीत में हमें दिखा है, तो उत्तराखंड का एरिया आप देख ही रहे हो, सुरई और पीलीभीत आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि सुरई में ना दिखे। किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया था, पिक्चर क्लिक की है इस बार, वरना पीलीभीत में तो अक्सर दिखता ही है, और ये पूरा कनेक्टेड फॉरेस्ट है पीलीभीत और सुरई का। यहाँ सुरई के टाइगर्स अक्सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में देखे जाते हैं, तो ऐसे ज़्यादा एनिमल्स भी आ ही जाते हैं इधर उधर। शारदा नहर, शारदा कैनाल है, और ये ब्रिज, और यहाँ सफारी के लिए जोन वन की एंट्री होती है। बहुत ही घास हो रही है, घास बहुत है, मानसून के बाद सफारी में यही होता है कि जनवरी के टाइम पे कटती है ना घास वगैरह, जो कम हो जाती है फिर घास। यहाँ तो अंदर अंदर पानी है सब, एक तो नहर की वजह से भी ज़्यादा पानी रहता है ना इधर, तो इस वजह से भी घास इतनी बड़ी हो जाती है, और बारिश तो होता ही है मानसून के टाइम पे तो होता ही है। और ये जोन टू का रास्ता जहाँ बैरिकेड्स लगे हैं दोनों ही तरफ जोन में, और यहाँ से भी क्रॉसिंग, और ग्रास देखिए कुछ नहीं पता चलेगा अगल बगल से, अगर कुछ होगा भी अगल बगल में तो इतनी बड़ी ग्रास है कि कुछ नहीं दिखेगा। अनलेस वो रोड पे है, रोड पे ही दिख सकता है, नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आगे तक आए थे ग्राउंड, अब वापस एक बार उसी रोड में जा रहे हैं फिर से। नाइट ड्राइव में इसी जगह पे हमें टाइगर दिखा था, बिल्कुल हम मोड़, जैसे ही मोड़े वो एकदम रोड क्रॉस कर रहा था। पिछली बार हमें यहीं पे दिखा था टाइगर, आज फिर एक सांप यहाँ पे दबा हुआ दिखा है, फिर किसी स्पीड वाली गाड़ी के चपेट में आ गया एक सांप, शायद ये अभी हुआ होगा थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमें जहाँ तब तो नहीं दिख रहा था, अभी हमें दिखा, हम थोड़ा सा बैक और हुए तो देखा तो दबा हुआ था। और ये हाल हो रहा है हमारी उत्तराखंड की साइड की रोड का, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं इसीलिए हम दूसरा राउंड तो मार ही नहीं पाते हैं इधर। तो अब वापस पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले एरिया में जा रहे हैं, सुरई की साइड जाके फ़ायदा नहीं है, रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बीच में।
कुछ लोगों के पास बिल्कुल अकल नहीं होती है। जैकल वहाँ पर रोड पे हमने गाड़ी साइड करी हुई है, फिर भी वो जैकल को हटाने के लिए रोड से, जबकि किनारे की तरफ था, इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहे थे और लाइट क्या ही बोल। तो ये थे जैकल्स यानी कि सियार, आराम से रोड में दोनों घूम रहे थे, खेल रहे थे। और यहाँ लोग कर रहे हैं अपने खेतों की रखवाली इस तरीके से बाहर पर बैठ के, टॉर्च लेके घूमते हैं, टॉर्च लेके घूमते भी हैं। और ये खेत है आसपास में, जैसा कि मैंने व्लॉग जो लास्ट पीलीभीत का व्लॉग था उसमें आपको दिखाया था, जब हम एक बार सफारी में आए थे, अंदर में सफारी में तो टाइगर की साइटिंग नहीं हुई थी, जंगल के अंदर तो नहीं हुई थी, यही खेतों इसी एरिया की बात है, लोगों के खेतों में हमें टाइगर दिखा था, टाइगरस थी कह रहे थे, उसके बच्चे भी थे साथ में, लेकिन हमें तो एक ही टाइगर दिखा। तो इसी एरिया की बात है, ऐसा होता है अक्सर इनके खेतों में आ जाते हैं टाइगर, क्योंकि पूरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही एरिया है, इसके बाद यहाँ घर बने हैं, कुछ होटल्स वगैरह हैं और पूरा जंगल ही है आसपास सारा। ये अपने खेतों की रखवाली करते हैं, खासकर जंगली सुअर, नील गाय या फिर और हाँ और बाकी जानवर हैं उनसे, तो उनके चक्कर में कई बार टाइगर और लेपर्ड वगैरह भी आ जाते हैं। इसे बीच में गांव है, पहले जंगल है फिर गांव है फिर जंगल है, ऐसे ही बीच में बसा हुआ है। अभी देखिए गाय वगैरह है रास्ते में, बिल्कुल जैसे घर दिखेंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर फॉरेस्ट का एरिया है। जस्ट अभी एक सांप क्रॉस कर रहा था और वो एकदम से हमें दिख गया तो ब्रेक लगा दिया, वरना देखिए वो दो गाड़ियां जिस स्पीड पे जा रही थी वो रोक नहीं पाती। हाँ वो तो जो बाकी गाड़ियां जा रही थी वो बहुत ही स्पीड में जा रही थी, अच्छा हुआ कि वो हमारी साइड को आ गया था और हमने एकदम से ब्रेक लगा दिया था तो उसने क्रॉस कर लिया। और देखिए ऐसे सांप वगैरह भी इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर और लोग एकदम से ऐसे पैदल, मतलब घरों के आसपास ही, आप देखिए जंगल जो कोर फॉरेस्ट है उस एरिया में तो दिख ही रहा है और ऐसे घरों के आसपास भी देखिए सांप कितने आराम से यहाँ रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल कोर फॉरेस्ट है वहाँ तो हमें अभी तक कुछ नहीं दिखा, अभी देखो क्या होता है वापसी में, लेकिन इधर की साइड हम गांव की साइड में आए हुए थे तो हमें एक सांप भी दिख गया और जैकल्स भी दिख गए। देखिए लोग ऐसे बिल्कुल रोड में बैठ के अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं और ऐसे ही सांप भी घूम रहे हैं बिल्कुल रोड में। और कितना कोहरा है, ऐसे घरों के पास सियार नहीं दिख रहे हैं। इधर से कॉल जा रही है, तो अभी कंटिन्यूअसली कॉल्स चल रही थी, अलार्म कॉल्स, स्पॉटेड डियर, हाँ काफी जोर से चिल्ला रहे थे स्पॉटेड डियर्स चीतल। तो हमने रोड पर देखने की कोशिश की, अब गाड़ी की लाइट जितनी इस साइड को दिख पा रहा था और इस साइड को दिख पा रहा था, हमने ऐसे ही कोशिश की और आप देखिए जितना एरिया थोड़ा बहुत आसपास का ही दिख रहा है, हमें लगा कि क्या पता रोड में आएगा क्योंकि क्रॉसिंग भी होती है टाइगर्स के यहाँ से, लेकिन
एक्चुअली क्या है ना, रात का टाइम है, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते एक जगह पर गाड़ी लगा के, सही भी नहीं है, फॉरेस्ट का एरिया है और रुकना ठीक भी नहीं है रात का टाइम। अभी 8:30 हो रहा है वैसे, लेकिन हमने एक दो राउंड लिए थे देखने कि क्या पता रोड में आए, कॉल्स तो चल रही थी बट उससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते थे, तो आया तो नहीं रोड पे। अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर कोई अपनी एक गाड़ी लगाएगा तो जाहिर सी बात है इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं, फिर उनको भी लगेगा ये क्यों रुके हैं रात के टाइम, फिर दूसरी रुकेगी, तीसरी रुकेगी, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब गाड़ी नहीं आ रही तो एक भी नहीं आ रही, और जब आ रही है तो फिर 3-4 एक साथ आ जा रही हैं गाड़ियाँ। तो जंगल है, जंगल में रुकना अलाउड नहीं होता, ऐसे दिन में भी नहीं रुक सकते ऐसे, मतलब थोड़ी देर अगर कुछ दिख गया तो ठीक है हम वीडियो बना लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर रास्ते में दिख गया तो एक अलग बात है। और फिर रात को तो और ही डेंजर रहता है ना, एनिमल्स हैं सारे जंगल में, और कई लोग फिर गाड़ी से भी उतर जाते हैं, जैसा कि हमने देखा ही है कई बार, भालू होता है उतर जाते हैं लोग, टाइगर होता है उतर जाते हैं कि कहाँ को गया देखने के लिए, बिल्कुल डर ही नहीं होता उनको। जैसा मैं कह रही थी कि जब गाड़ी नहीं आ रही है तो एक भी नहीं आ रही, जब आ रही है तो फिर लगातार गाड़ियाँ आई जा रही हैं। और नाइट ड्राइव में एक दिक्कत और होती है कि लोग लो बीम नहीं करते हैं, लाइट्स बिल्कुल इतनी ब्राइट लाइट होती है उनकी, वाइट लाइट, और इतनी ब्राइट बिल्कुल लो बीम नहीं करते हैं, तो वो भी बड़ी एक चैलेंजिंग बात है नाइट ड्राइव में। और सोचिए हमारी आँखों पर इतनी चमकती है तो फिर जानवरों की आँखों में कितनी चमकती होगी। बाइक्स आप यहाँ इस रोड पे देखेंगे कि ग्रुप्स में जाती हैं, अकेले नहीं जाते हैं, बहुत ही कम दिखेंगे अकेले जाते हुए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि इतने वाइल्ड एनिमल्स हैं इधर, तो डेंजर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर देगा गाड़ी पे एकदम, ऐसा हर बार नहीं होता, कभी की बात, कभी हो सकता है कि ऐसा कर दे, चलती बाइक पे अटैक कर दे। डर ये ज़्यादा होता है कि अगर अचानक से टाइगर आ गया या फिर स्लॉग बेयर आ गया, मतलब भालू या बाघ आ गया एकदम से रोड पे, तो हम ही एकदम से, अगर कोई इंसान जा रहा है पैदल या बाइक से तो एकदम से घबरा जाता है। और होता है इससे यह है कि कुछ वीडियोस देखे थे हमने पहले कि एकदम बाइक वाले गिर जाते हैं, और फिर अगर सामने एकदम से जानवर है और इंसान गिर गया तो फिर संभलना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में फिर अटैक होने का भी डर रहता है। और अगर बाई चांस उसने घुर्रा दिया, मतलब कि रोर कर दिया और जैसे मॉक चार्ज करने की कोशिश की, तो इसमें इंसान एकदम से घबरा जाएगा और फिर कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये मेन डर होता है। इसलिए इस रोड पे जो कंटिन्यूसली चलते हैं उनको पता है, जो कभी कभी आए उनको तो, मतलब पहली बार आ रहे हैं उनको नहीं आइडिया होगा इस जंगल का, लेकिन जो यहाँ रहते हैं आगे गाँव में तो उनको ये बात पता रहती है, इसलिए ग्रुप्स में जाते हैं या गाड़ियों के आगे पीछे चलते हैं। पहले भी टाइगर रिजर्व के एरिया में, मतलब यूपी वाले साइड में रोड इतनी अच्छी है, और इस साइड इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं हमारे उत्तराखंड की साइड में, सुरई वाली रेंज में इतने बड़े गड्ढे हैं कि और भी बड़े गड्ढे हो गए हैं ये तो, अब तो रोड में बड़े बुरे हाल है। नेचुरल स्पीड ब्रेकर है इसमें तो क्या ही, टाइगर और भालू भी चलते होंगे उनके पैरों पैर मुड़ जाएगा, वही मोच आ जाएगी पैर में। सच में बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे हो गए हैं बारिश के बाद तो, और ही बड़े, वैसे ही रोड खराब थी और ज़्यादा खराब हो चुकी है। डॉग लग रहा है तो? डॉग है? हाँ डॉग भी है। वही वाला है लग रहा है। वो? हाँ ये उसको उस दिन बिस्किट दिए थे हमने। वो कैसे रोड में, मुझे लगा ये अलग सा जानवर क्या इतना? वही। सर उसका उधर को था ना, तो मैंने कहा बिल्कुल ही डिफरेंट, आज कौन सा एनिमल दिख रहा है रेयर। एक स्नेक था, हम आए थे इसके लिए वाइपर। चलो जिंदा है मेरे ख्याल से, जिंदा नहीं तो मुड़ कैसे गया है वो, शायद उसके आगे में कुछ। तो अभी हमें वापसी में एक सांप और दबा हुआ मिला आज, पिट वाइपर था वो, रेयर स्नेक, ग्रीन पिट वाइपर, गेटिया में देखा था पहले मैंने, उसके बाद मैं आज ही देख रही हूँ यहाँ पे रोड में, लेकिन दब गया था गाड़ी से, हमने देखा और गाड़ी रोकी थी, मतलब हम जा रहे थे बीच रोड में दबा हुआ सा दिख रहा था, तो फिर हम फिर से बैक आए कि कहीं वहाँ जिंदा तो नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ क्या बताएं,
हॉर्स में इतनी स्पीड में चलती हैं, और बहुत ही पतला सा ग्रीन कलर का स्नेक होता है। तो बड़ी गाड़ियाँ, बसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, इस वजह से शायद दिखा नहीं उन लोगों को। तो अब हम वहाँ से वापस आ गए हैं, अभी हम नंदौर वाले फॉरेस्ट में हैं, नंदौर फॉरेस्ट जो है। तो अब जा रहे हैं अब घर को वापस, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आज जो भी हमें दिखा, जो भी एक्सपीरियंस हमारा रहा, जो वाइल्ड लाइफ हमें दिखी, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।